ट्विटर का कॉम्पिटिटर थ्रेड्स मार्केट में आ गया है। 6 जुलाई 2023 को मेटा ने ऑफिशियली पब्लिक के लिए थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज 12 जुलाई है, 6 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 6 दिनों के अंदर थ्रेड्स के टोटल 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड या फिर मैं कहूँ कि 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स बन चुके हैं। सिर्फ 6 दिनों में 5 करोड़ यूजर्स का जुड़ना किसी भी ऐप के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एलोन मस्क ने ट्विटर पर काफी सारी पाबंदियां लगा दी थी। तो मेटा यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने सोचा कि ये बिल्कुल सही टाइम है ट्विटर को टक्कर देने का और इसी वजह से मेटा ने ट्विटर की ही तरह काम करने वाली एक ऐप थ्रेड्स लॉन्च कर दी। तो चलिए देखते हैं इस पर आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड्स पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से थ्रेड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्विच अकाउंट का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप उन्हें भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग से कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जीमेल आईडी है, आप उससे लॉगिन करना चाहते हैं, मतलब अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जब तक आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है तब तक आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम और प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं, अपना बायो यानी कि अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं और अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है जैसे कि फेसबुक अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल है तो उसका आप लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आपकी जो डिटेल्स इंस्टाग्राम पर मौजूद है आप उन सब डिटेल को इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक करके थ्रेड्स पर भी अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा भी दिखाई दे जाएगा पावर्ड बाय इंस्टाग्राम, यानी कि थ्रेड्स भी अब मेटा का ही एक पार्ट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अब थ्रेड्स, ये सब मेटा का ही एक अब हिस्सा है। और अब यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है और जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया मुझे किसी की रिक्वेस्ट आ गई यानी कि किसी ने मुझे फॉलो कर लिया और मैं अब चाहूँ तो यहाँ पर फॉलो बैक के बटन पर क्लिक कर उसे भी फॉलो कर सकता हूँ। तो मिलता जुलता ही है इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर से, आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत है होगी नहीं। और अगर आपको कोई पोस्ट शेयर करनी है, फोटो शेयर करनी है या फिर अपने उच्च विचार आपको यहाँ पर शेयर करने हैं तो वो भी आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं जैसा कि ट्विटर पर आप किया करते थे, बिल्कुल वैसा ही सीन यहाँ पर है। और थ्रेड्स के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स को मेटा के द्वारा लाने की आखिर वजह क्या है और ट्विटर की जगह ये ले पाएगा भी या फिर नहीं।